सत्य 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 ही शिव है, शिव ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य ठुकरा के राजनीति करके अगर दूसरा दिखाते हैं तुम्हारे बच्चे दुखी होंगे, याद रखना। अगर सत्य को अपनाए तुमको मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शिव हर जगह हर कण कण में है। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका महादेव के इस पवित्र नगरी में। मैं हूँ अभी केदारनाथ धाम में और बाबा के कपाट खुल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जश्न है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ महादेव के धाम में और दर्शन कराता हूँ। प्रथम दर्शन आपको मैं कराता हूँ महादेव के धाम के, जब भी कपाट खुले वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग यहाँ की कोई जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों की यात्रा में आ रहे हो, आपको कोई परेशानी हो रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी समस्या का समाधान मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं महादेव के दरबार पे और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। कैसा यहाँ पर माहौल है, कितनी भीड़ है, कैसे रहे कपाट खुलते टाइम, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए। हर हर महादेव।
बाबा जी के दर्शन के लिए, बाबा जी के दर्शन के लिए मंदिर के जिनके दाई दोस्तों, मैं हूं अभी केदारनाथ धाम में और यहां पर कपाट खुल चुके हैं। 7:30 बजे महादेव के जो धाम के कपाट है 6 महीने के लिए खुल चुके हैं और जो कपाट खोलने के लिए यहां पर जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहां पर आके सभी यात्रियों का स्वागत किया। सभी के महादेव से प्रार्थना करी कि सभी के घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भगदड़ है, प्रशासन यहाँ पर फेल हो चुका है, कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही लोग जो यात्री हैं बिल्कुल लाचार हो चुके हैं क्योंकि बहुत ही व्यवस्थाएं जीरो लेवल की हैं, कोई ढंग नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना हुड़दंग मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और ये है महादेव का पवित्र धाम जो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ और भी करीब से। बाबा के इस धाम में आप सब पधारे हैं, बाबा आप सब पर कृपा करें। भाइयों बहनों, ये Yeah.